बीजेपी को विधायकों के टूटने का डर, चार्टर प्लेन से दिल्ली लाया गया। गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड में ठहरे हैं 106 एमएलए। बीजेपी विधायक के साथ कैलाश विजय बियर्गी भी दिल्ली आए हैं। सिंधिया 12 मार्च को अपने समर्थकों और कांग्रेस के कई विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार खतरे में आ चुकी है। 22 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं देर रात भोपाल से दिल्ली होते हुए गुरुग्राम तक सियासी हलमल मचती रही। देर रात बीजेपी के 106 विधायक भोपाल से प्लेन के जरिए दिल्ली आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर बस में विधायकों को गुरुग्राम ले जाया गया। गुरुग्राम में सभी विधायकों को एक होटल में ठहराया गया। बीजेपी विधायकों के साथ कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली आए। भोपाल एयरपोर्ट पर विधायकों से मिलने शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। बीजेपी के 106 विधायक गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में ठहरे हैं। कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और बेंगलुरु के रिसोर्ट में ठहरे हैं। वहीं बीजेपी पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ हर कदम उठा रही है। ऑपरेशन लोटस में कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए बीजेपी ने अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर भेज दिया है। एमपी में सियासी संकट को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राजभवन पहुंचने के बाद कोई फैसला लेंगे। वहीं कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे को लेकर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि हम पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उस पर कोई फैसला लेंगे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस 22 बागी विधायकों में से 19 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार को सौंपे हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि सिंधिया 12 मार्च को अपने समर्थकों और कांग्रेस के कई विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि बीजेपी में शामिल होने से पहले सिंधिया ग्वालियर में अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और इसमें से 2 सीट खाली है। अब तक 22 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में अगर विधायकों का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो इसकी कुल संख्या 206 हो जाती है। बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के 22 नेताओं के इस्तीफे के बाद इस समय उसके विधायकों की संख्या 93 है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और सूबे में अन्य दलों के 7 विधायक हैं। कमलनाथ को विधानसभा सत्र शुरू होने के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।